नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। अवैध मैग्नीज का गढ़ बना पौनिया, 150 से अधिक मैग्नीज की बोरियां जब्त। तिरोड़ी तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम पौनिया में मैग्नीज उत्खनन का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहां पर मैग्नीज माफिया ग्रामीणों को लालच देकर अपने घर आंगन से मैग्नीज की अवैध खुदाई कर मैग्नीज निकाल रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर शनिवार शाम 5 बजे राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा छापामार कार्यवाही द्वारा इस बात का खुलासा हुआ। तिरोड़ी तहसीलदार भगवान दास कुमरे एवं तिरोड़ी थाना प्रभारी चैन सिंह उइके ने यहां दलबल के साथ पहुंचकर सामूहिक रूप से छापामार कार्यवाही कर बड़ी मात्रा में मैग्नीज जब्त किया। हालांकि राजस्व और पुलिस ने किसी के खिलाफ मामला पंजीबद्ध नहीं किया है। जानकारी अनुसार पौनिया में स्वर्गीय घनश्याम सोनी के आंगन में अवैध तरीके से खुदाई कर मैग्नीज निकाला जा रहा था। पता चला कि घनश्याम सोनी ने यह मकान टिंकू चौधरी तुमसर निवासी को बेच दिया है। वहीं ग्रामीण सूत्रों की माने तो टिंकू ही अवैध तरीके से मैग्नीज का खनन करवा रहा है। खनन करवाने के लिए ही उसके द्वारा मकान खरीदा गया है। उल्लेखनीय है कि इस कार्यवाही के पूर्व शुक्रवार रात्रि ग्राम पौनिया के जंगल से अवैध मैग्नीज का खनन करते 2 युवकों को धर दबोचा था। इन युवकों के पास से 1 मोटरसाइकिल और 3 बोरी मैग्नीज जब्त किया गया था। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पुलिस पूछताछ के दौरान इन युवकों के द्वारा उक्त स्थान के बारे में बताया गया होगा। ग्राम पौनिया में रविवार को दबिश देकर दुलेंद्र गौतम के मकान में छापामार कार्यवाही कर यहां पर गायों के बांधने के कोठे से करीब 150 से अधिक बोरी मैग्नीज जब्त की है। गौरतलब हो कि बालाघाट कलेक्टर दीपक आर्य ने हाल ही में निर्देश दिए हैं, जिसके बाद प्रशासनिक अमला अलग अलग स्थानों में दबिश देकर अवैध उत्खनन एवं परिवहन के खिलाफ कार्यवाही कर रहा है, जिससे मैग्नीज माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। बीते 2 दिनों में प्रशासन ने यहां घरों के अंदर चल रही मैग्नीज की अवैध खुदाई और बड़ी मात्रा में मैग्नीज जब्त किया है। तिरोड़ी से अमित जैन की खबर।